जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद खड़गे साहब जिंदाबाद यूथ कांग्रेस जिंदाबाद यूथ कांग्रेस जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद। अगर मजबूती के साथ आगे जा रहा है तो उसके पीछे वो नींव थी, उसके पीछे वो सोच थी कि सेकुलरिज्म के माध्यम से हम हिंदुस्तान को आगे बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और अंबेडकर जैसी सोच भी उसी में शामिल थी। आज कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की ज़रूरत है, आज उसको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमें क्योंकि जमहूरियत दिखाई नहीं दे रही, असेंबली चुनाव यहाँ पे नहीं है, सरकार यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे गवर्नर साहब हुआ करते थे, अब LG साहब की पोस्ट हमें दी गई, हमारा कल्चर ख़त्म किया जा रहा है, हमारे नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा, प्राइवेट इन्वेस्टर को यहाँ पे जो बातें करते थे दिग्गज नेता, आज प्राइवेट इन्वेस्टर जम्मू में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आएगा तो लोग कहाँ जाएंगे। और आए दिन जिस ढंग से फौजियों की शहादत का सिलसिला बढ़ रहा है, रजौरी पुंछ जो बड़ा एक सामान्य तौर पे यहाँ पे चल रहा था, आज मैं समझता हूँ कि डीरेल वहाँ पे हो गया, वो पीस प्रोसेस आज सख्त करने के कदम उठाने की ज़रूरत है। आज हम स्वर्गीय इंदिरा गांधी को भी याद करते हैं, वो कांग्रेस की सोच थी जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, आज 56 इंच की छाती, आंखों से आंखें बातें करने वाले लोग, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, लोग सारा महसूस करते हैं कि हम प्रण लेते हैं कि हम सेक्युलर फोर्सेज को मजबूत यहाँ पे करेंगे, उस कांग्रेस की आइडियोलॉजी को घर घर बूथ तक पहुँचाएंगे ताकि बूथ से भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूती मिले और ताकतवर बन के जाए। हम तो तैयार हैं, आज आपने देखा होगा जब विगल बुझाया आज नागपुर में, हम तैयार हैं वो नारा भी था उसमें। हर लिहाज से हर चुनौतियाँ जरूर हैं, चुनौतियाँ भाजपा की तरफ से जब जख्म दिए गए तो वो चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों को हम पार करेंगे और अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव की बड़ी सख्त जरूरत है। एक छोटे गरीब आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, महंगाई के मार से हम लोग जूझ रहे हैं,